15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की होने जा रही विशाल रैली की तैयारियां जोर पर हैं, जिसके चलते हल्का यमुनानगर के बीएसपी नेता शैलेश त्यागी गोविंदपुरी के द्वारा जिला के गांव गांव में जाकर 15 मार्च को होने वाली रैली के लिए न्योता दिया जा रहा है तथा पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए शैलेश त्यागी गोविंदपुरी ने मीडिया को बताया। त्यागी जी, जो 15 मार्च को चंडीगढ़ में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि हरियाणा की पूरी जो पार्टी है जो आप लोगों की जी, तो पूरा फोकस है इस रैली पर। तो किस तरह की तैयारियां यमुनानगर जिले में चल रही हैं, विशेष रूप से आपके हलके में किस तरह की तैयारी चल रही है? हम दिन रात एक करके पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी दिन रात एक करके सभी हलका में घूम रहे हैं, गाँव गाँव प्रचार कर रहे हैं, बहन जी की रैली का सभी को न्योता दे रहे हैं और हमें पूरा आश्वासन है आपकी बार कि ये रैली नहीं महारैली होगी और इसके अंदर हमें उम्मीद है कि 15 लाख के करीब इसमें कार्यकर्ता लोग सभी शामिल होंगे। हम अपने प्रभारी जी के दिशा निर्देश से काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रभारी जी डॉक्टर मेघराज सिंह जी हैं, अध्यक्ष जी हमारे प्रकाश भारती जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर 6 टीमें हरियाणा के अंदर बनाई हुई हैं जिसमें हम दिन रात एक करके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और बहन जी की 15 तारीख को 26 सेक्टर में चंडीगढ़ में होने वाली रैली के लिए सभी को न्योता दे रहे हैं। और मैं एक बार सभी से दोबारा अपील करूंगा कि यदि आप इस खट्टर सरकार से मुक्ति चाहते हैं, झूठे जो झूठी सरकार है से मुक्ति चाहते हैं, तो बहन जी के विचारों को सुने और उस रैली के अंदर आमंत्रित हैं सभी।